सो फाइनली आज की हमारे पास दो गाड़ियां, दोनों की दोनों हाईराइडर, और हाईराइडर भी अगर आप देखोगे तो दोनों का भाई बेस मॉडल ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोयोटा के हाईराइडर बिना नंबर प्लेट और टेम्परेरी नंबर से लेकर आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कैमरा लगा हुआ है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम मॉडल हाईराइडर टेम्परेरी नंबर, साइड में अगर आप देखेंगे तो सेम कैमरा लगा हुआ है। सो भाई ये दोनों गाड़ियां जो हैं ये दोनों बिल्कुल डायरेक्ट प्लग एंड प्ले तरीके से इंस्टॉलेशन हो रही है। पूरी गाड़ी का काम नीट एंड क्लीन तरीके से हो रहा है। हमेशा मैंने आपको दिखाया है गाड़ी का जो काम होता है शेड के नीचे होता है, कोई धूल मिट्टी वाला सिस्टम नहीं, कहीं कोई बाहर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पूरी गाड़ी का काम एकदम नीटली प्रॉपर प्लग एंड प्ले तरीके से होता है। यहाँ पर पूरी गाड़ी का जो आज हमने डोर में डैम्पिंग करी वो सेम ऑरा ब्रांड और साइंड इक्विपमेंट के लिए प्रॉपर पूरा जाना जाता है। और जो सराउंड वॉल्यूम है इसको इंक्रीज करता है, अंदर बाहर दोनों तरफ इसके ऊपर लगती है ये इसकी डैम्पिंग। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने बुलेट कंपोनेंट्स हमने यूज करे, जिसको जिसका नंबर आता है 632C। यहाँ पर हमने स्पेसर किट लगाई, जिस तरीके से बुलेट कॉम्पोनेंट हमने आगे यूज करे उसी तरीके से भाई आज हमने यहाँ पर सेम बुलेट कॉम्पोनेंट यूज करे। इसका भी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल हाई लेवल पे है, और जो सराउंड वॉल्यूम आना है वो भी भाई बहुत सुपर क्लास आने वाला है। डैम्पिंग के लिए भाई ये 180 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट नहीं हो सकती, और डैम्पिंग का जो मेन रोल होता है वो रोड की जो नॉइस है उसको लेस करना होता है। दूसरा स्पीकर्स की सराउंड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन तरीके से इसको प्रॉपर हमने लगा दिया, कहीं से कुछ गैप नहीं आएगा, कहीं से कुछ खुला हुआ नहीं रहेगा। जिस तरीके से जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहीं लगती है ये यहाँ पर। और यहाँ वाले में थोड़ा सा डोर सराउंडिंग में फर्क आ जाता है, क्योंकि जो डैम्पिंग होती है एल्यूमिनियम की होती है, और इसको लगाने के लिए ये प्रॉपर जो रबड़ अंदर की लगी होती है, जो प्लास्टिक लगा होता है उसको निकालना पड़ता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम डैम्पिंग और स्पीकर, इसमें हमने इन्फिनिटी हरमन के यूज करने हैं। सिस्टम इसमें लगा हुआ नाकामिची का, उसका भी प्रॉपर आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं। बात करेंगे इस हाईराइडर की, यहाँ पर हमने क्रोकोडाइल फ्लोरिंग इस पे यूज करी, बिल्कुल इसको भी प्लग एंड प्ले तरीके से किया, क्योंकि सर के पास जो मैट थे वो जेनुइन डले हुए थे। हर एक चीज को प्रॉपर गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर पूरा बनाया जाता है, जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है उसी को उसी के तरीके से प्रॉपर पूरा किया जाता है। स्टेयरिंग में डुअल टोन का काम हो गया, डोर्स प्रॉपर रेडी हो गए, सीट्स आ गई। थोड़ा सा झलक आपको दिखा दिया मैंने किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या इसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन होगा। हाईलाइटर के अंदर जो ओरिजिनल आता है वो टैन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है, जेनुइन का फील, और कहीं से कुछ लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं होने वाला उसके अंदर। डैशबोर्ड के प्रॉपर पार्ट को प्रॉपर हम खोलते हैं, और ये दिखाना भाई एक बारी, इसको प्रॉपर पूरी कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग करने के बाद कहीं ये निकल ना जाए, उसके लिए हर एक चीज एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई जाती है। गाड़ी का काम जितना भी होता है भाई अपने पास 100% प्लग एंड प्ले होता है। ये रख लो भाई, इसको थोड़ा सा मोड़ देना, और पूरा नीटली तरीके से होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज हमने यहाँ पर हाइड्रोटिप वाले पार्ट्स इसके ऊपर लगाए हैं। सेंटर का जो पार्ट है वो भी हाइड्रोटिप वाला है, ऊपर का जो फ्रेम है वो भी हाइड्रोटिप है। रूफ खुली हुई है, रूफ खुलने का रीजन कि इसके अंदर हमने आज सनग्लास होल्डर लगाना है। सनग्लास होल्डर की जो फिटिंग है वो भी बिल्कुल 0-0। यहाँ पर हमने ऑटो फोल्डेबल जो साइड मिरर्स होते हैं उसकी रिले लगाई, और पूरी गाड़ी का काम एकदम परफेक्टली नीट तरीके से चल रहा है। कंसोल खोलने का रीजन कि इसके अंदर हमने फ्लोरिंग करी वो भी बिल्कुल कंसोल खोल के, और पूरी गाड़ी का काम जैसे हो जाएगा आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से काम हम करते हैं, कैसे इसको पूरा पैक किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक करना है, शेयर करना है, और पूरी गाड़ी के साथ आपको मिलूंगा थोड़ी देर में। सो गाड़ी है हमारे पास सेम हाईराइडर का बेस मॉडल, जिसको आज हमने प्रॉपर पूरा मॉडिफाई कर दिया, और सेम वही चीज मैंने हमेशा आपको दिखाया। टेम्परेरी नंबर पे हमारे पास गाड़ी आई, जैसे ब्लैक कलर की ये गाड़ी खड़ी है, इसी तरीके से हमारे पास एक हाईराइडर ये भी खड़ी हुई, जिसके अंदर लग्जरी मॉडिफिकेशन का प्रॉपर पूरा काम हो रहा है। ये भी वही सेम चीज भाई, टेम्परेरी नंबर गाड़ी टोयोटा, और सेम सर ने हमारी वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर और प्लान किया कि मुझे काम कराना है। सर का एक कहना था कि भी बड़ी सारी मैंने वीडियोस देखी, उसमें से एक सिर्फ कार लिबास का ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत काम ठीक होता है और दूसरा शेड के अंदर होता है। सो आज जो है वो सर के सामने पूरी गाड़ी हमने आज रेडी करके दी, आगे से लेकर पीछे तक सारे काम हमने रेडी कर दिए। सो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आज बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ मेजर काम था सर का, जो काम था मेन वो इंटीरियर्स के ऊपर था, जिसमें इंटीरियर्स के ऊपर आज हमने यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स लगाए। स्पीकर्स हमने लगाए सेम ऑरा प्रोडक्ट, और 632C इसके अंदर कंपोनेंट लगाया, जिसके अंदर दो ट्यूटर फ्रंट में लगे, दो ट्यूटर रियर में लगे। बुलेट कंपोनेंट आते हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम का सराउंड वॉल्यूम बहुत सुपर क्लास और बहुत बढ़िया चीज है ये। सेम ऑरा का ही हमने यहाँ पर, ऑरा कहाँ गया इसका, ये लिखा हुआ ऑरा, ऑरा का ही हमने यहाँ पर BVC 92 PVC
एचडी कैमरे वाला 360 डिग्री हमने कैमरा यूज किया, सिस्टम भी सेम वही चीज ऑरा वैनम, और जो डैम्पिंग करी वो भी सेम पूरी गाड़ी के अंदर हमने ऑरा प्रोडक्ट यूज किया। ऑरा जो अपने आप में प्रोडक्ट है ये सबसे बेस्ट है हमारे लिए, तो सुपर बेस्ट है ये, जिसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर को मिलती है और कुछ कंप्लेंट आने पे हम भी उसके ऊपर सुनवाई कर सकते हैं। सो फ्रंट रियर में हमने कंपोनेंट्स वाले डैम्पिंग हमने यूज़ करी साउंड प्रूफिंग के लिए, ऑरा का ही हमने यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा यूज़ किया, और जो सिस्टम हमने लगाया वो 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, सिम कार्ड स्लॉट विद DVR हमने इनको एक्टिवेट करके दिया, जिसके अंदर पेन ड्राइव के अंदर जितनी भी हमारी ये गाड़ी चलती है तो प्रॉपर पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है। सो इस तरीके से इसका एक हमने सेटअप पूरा लगाया। साइड में फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हमने कैमरा लगाया, जिसकी प्लेसमेंट ये बिल्कुल सील है, और अगर आप देखोगे तो भाई इसकी ग्रिल भी प्रॉपर हिल रही है। सो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ये फ्रंट डैमेज वाला कोई सिस्टम नहीं है, अगर कोई हिट भी होगा तो ये कैमरा हमारा सेफ है। फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ पर कैमरा लगाया, साइड प्रोफाइल के अंदर इसके ऊपर फोल्डेबल के लिए हमने एक इसके अंदर रिले डाली, जैसे मैं रिमोट से लॉक करूंगा ये फोल्ड हो जाएगी, जैसे अनलॉक करूंगा ये जो मिरर है इसका अनफोल्ड हो जाएगा। सो सिक्योरिटी पर्पज के लिए बेस्ट चीज है, लॉक करा फोल्ड हो गया, अनलॉक करा अनफोल्ड हो गया। इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने इसके ऊपर एक कैमरा यूज किया हुआ है 360 डिग्री के लिए, प्रॉपर इसके अंदर होल करना पड़ता है, होल करने के बाद इसके ऊपर ये इंस्टॉल हो जाता है। इसी तरीके से रूफ रेल हमने लगाई हाइकर प्रोडक्ट, ये भी जो है इसकी जो प्लेसमेंट होती है भाई वो प्लास्टिक के ऊपर रहती है, अदरवाइज मुझे डर लग रहा है इसे वो खोलने में खींचने में भी। नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो ड्रिल करके लगाते हैं, बट इसके ऊपर आज हमने 3800 रुपये में की रेंज में ये हाइकर हमने प्रोडक्ट यूज किया। डोर वाइजर लगाए क्रोम के साथ, स्मोक क्रोम के साथ, और इसके अलावा साइड की बिडिंग सेम वो भी चीज स्मोक क्रोम के साथ। बैक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर हमने कैमरा यूज किया, जिसकी हमने प्लेसमेंट यूज करी बिल्कुल ओरिजिनल, जहां पर भाई ये लगता है ओरिजिनल इसका, इसको भी अगर आप करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा, ये खींचने वाला सिस्टम नहीं है, कहीं यहाँ पर हमने होल नहीं किया, और जो प्लेसमेंट है बिल्कुल 00 जेन्युइन इसकी प्लेसमेंट की हुई है। बैक साइड में यहाँ पर इसके ऊपर आज हमने ट्रे के लगाए हुए पैसे, बट हमने लगाई नहीं भाई, ट्रे लगा दो इसकी, एक पार्सल ट्रे हमने इसके ऊपर अभी इंस्टॉलेशन करनी है। यहाँ पर हमने बूट लाइट इसके ऊपर एक लगाया, ये ओरा का एक वारंटी कार्ड, स्पीकर्स का जो स्पीकर्स निकले वो ये पड़े हुए बिल्कुल बेसिक रेंज के स्पीकर हैं भाई, ये पता नहीं क्यों कंपनी लगा के देती है इसको भी। स्टीरियो का फ्रेम निकाला, वो भी काम खत्म हो गया इसका। इसके बाद हाँ बिना आवाज के जाए वो सेम दूसरी वही चीज भाई, अपने पास जो गाड़ी आई वो आई फरीदाबाद से है सर, आप फरीदाबाद से सर हमारे पास आए, और गाड़ी का जो लोकेशन है सेम शेड के नीचे, बाहर रोड साइड पे गाड़ी नहीं है, अगर रोड साइड पे भी होती तो हमारे ये हमारे पास यहाँ पर बे है, इसी के अंदर हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। लग्जरी इंटीरियर्स भी को कराना था, सेम डे के अंदर एक अपॉर्चुनिटी थी, जो इसका ओरिजिनल पैटर्न था वो मेरे पास रेडी स्टॉक था, रेडी स्टॉक भी जो थी भाई हमारी ग्रैमिट आरा हाईराइडर एक हमने बुक की हुई थी जेनवन, वो भी फरीदाबाद की गाड़ी, तो उनका इंटीरियर भाई हमने इनको लगा दिया। कपड़ा हमने यूज किया सेम आर्ट लेदर, आर्ट लेदर की जो ग्रेन्स होती हैं वो डोर प्रोफाइल के बिल्कुल साथ मैच हो जाती है ये। सो ब्लैक का प्रोफाइल इसके अंदर आता है, जो ग्रेन्स आती हैं वो ब्लैक में आती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसकी जो ग्रेन्स है लेदर की ये आर्ट लेदर के अंदर आती है, और इसके अंदर डोर में हमने ये लेदर हाइट पूरा करा, सेम फैब्रिक यूज करा हमने, सेम हमने थ्रेड यूज किया ऑरेंज कलर का इसके अंदर। थ्रेड की फिट फिनिश बिल्कुल लग्जरी, लगने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग दिख रहा है, और ब्लैक के साथ तो भाई ये मेरा फेवरेट कलर है, फेवरेट के अंदर टैन कलर जो है इसका बहुत स्मार्ट लगता है। इस वाले पार्ट को हमने आज लेदर हाइट कर दिया, ये मैट फिनिश में आता है ब्लैक में, इस वाले को हमने मैट फिनिश से ग्लॉस में कन्वर्ट कर दिया। स्टीयरिंग का फिट फिनिश बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो सील एकदम बेस्ट, जिगजैग हमने इसके ऊपर थ्रेड करी, और मून स्टाइल इसको हम बोलते हैं, इसका जो शेप है वो चांद के जैसी है, तो मून शेप इसकी हम स्टीयरिंग को बोलते हैं इसको। सीट कवर की फिट फिनिश जैसा ओरिजिनल पैटर्न आता है उसी तरीके से प्रॉपर लगा दिया, पूरे सीट कवर के अंदर आपको कहीं कोई मेरे सीट कवर्स में रिंकल नहीं देखेगा, कहीं पे भी आपको कुछ लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं देखेगा। ये जो कर्व है इसके जो ये वाले शार्प एज हैं ये बिल्कुल सील है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर पूरा कारपेट लगा हुआ है, जो कि इसकी गाड़ी के साथ ओरिजिनल आता है, तो उसको उतार के हम अपने सीट कवर्स में लगाते हैं, पूरी कस्टमाइज कर देते हैं। साइड प्रोफाइल से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी फिटेड ओरिजिनल जैसे पार्ट था वैसे ही आता है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने इसको लेदर हाइट में कर दिया दोनों पार्ट्स को। सिस्टम हमने लगाया ओरा का, नीचे का जो ये वाला एसी वेंट है इसको आज हमने
मोहित उधर से हो एक बारी। सिस्टम के जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने हाइड्रो डिप किया है, जो कि इस पैकेज में मैंने सर को वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया, उसको कोई मैंने पैसा नहीं लिया इनसे। एसी वेंट की किट हमने हाइड्रो डिप करके दी, और हाइड्रो डिप के अंदर एक ये वाला पार्ट दिया, ये वाले पार्ट को दिया, नीचे वाले का रिंग दिया, गियर की नॉब दी, और बस इसके अलावा तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर काम था नहीं। सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमने, पहले मैं आपको एक्सेसरीज पूरी दिखा देता हूँ। स्टेयरिंग हमने लगाया डुअल टोन के अंदर, टैन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन। सनग्लास होल्डर लगाया जिसकी फिट फिनिश बिल्कुल 0-0 भाई, कहीं से भी आपको ये लेफ्ट राइट नहीं दिखेगा, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है कि अंदर से ये लूज है। इसकी अगर आप प्लेसमेंट भी देखोगे ना कि भाई ये 100% सील्ड है, अंदर से प्रॉपर पूरा लॉक है, कहीं से अगर मैं दबाऊंगा इसके अंदर कहीं पे भी आपको ये गैप नहीं दिखने वाला इसके अंदर। सो अपने काम की स्पेशलिटी है कि भाई आपको रिंकल फ्री जैसे सीट कवर्स होते हैं उसी तरीके से ये मेरा पूरा रूफ खोलने के बाद का प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल सील सिक्योर एकदम करके देते हैं। पूरा सील होने का मतलब कोई वारंट टेम्परिंग नहीं है, सब जो जैसे कंपनी की तरफ से आता है सेम वही चीज़। आमरेस का कवर हमने करा सेम, गियर की नॉब हमने लगाई जेनवन, इसकी सीट कवर के अंदर जो मेरा इसका स्टाइल होता है उसके अंदर हम चेन नहीं लगाते हमारे सीट कवर भाई। तो देखो थोड़ा सा ये जो हेडरेस्ट होते हैं ये प्रॉपर पूरे रफू होते हैं, ना यहाँ पर कोई नीचे से जिप लगी हुई है, ना कोई यहाँ पर बैक से जिप लगी हुई है। क्या मखमल के जैसे कपड़ा है यार, मखमल एकदम, बहुत शानदार। सीट की डिजाइनिंग एकदम बढ़िया है। बैक के ऊपर बात करेंगे, बैक भी हमारी बस इसके तरीके से पूरी बेस्ट है। यहाँ पर यूएसबी का पोर्ट लगाया, ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट। गाड़ी को जैसे रिवर्स करूंगा मैं, रिवर्स करने के बाद इसकी डिक्की खोली हुई है भाई, मैं बंद करके आता हूँ। बोलो डिक्की कौन बंद करेगा ट्रे के बाद। जैसे गाड़ी को मैं बैक करूंगा, बैक का प्रॉपर ये वीडियो दिख रहा है, और पूरी इसके अंदर यहाँ पे भी अगर आप लेफ्ट के इंडिकेटर देखोगे तो लेफ्ट से भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं गाड़ी को लेफ्ट करूंगा ये लेफ्ट का टायर दिख रहा है, राइट करूंगा ये राइट का टायर दिख रहा है। इसको नॉर्मल कर देते हैं, फ्रंट में देखेंगे तो सर खड़े हैं भाई सामने, ये फ्रंट में कस्टमर हमारा वेट कर रहा है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट ना इस भाई गाड़ी का, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साइन नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड, ये जो हम अभी वीडियो देख रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सब रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है, ये भाई हमारे फाइल मैनेजर के अंदर, यूएसबी पोर्ट, DCIM, कैमरा, और सबसे लास्ट का जो वीडियो है वो है 21:09 का, ये ओहो अनसपोर्टेड फाइल, सॉरी। चार कैमरे दिख रहे हैं भाई, यहाँ मच्छर दिख रहे हैं, डिक्की खुली हुई थी, ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये सर हमारा वेट कर रहे हैं सामने। सो ये भाई 100% लाइव रिकॉर्डिंग वाला मॉडल है। इसके अंदर मैं आपको ऊपर कोई DVR लगाने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी चलाओ, जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ से मैं बैक करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, जैसे मैं 360 में जाऊंगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो REC, ये रिकॉर्डिंग फंक्शन है, DVR इनबिल्ट वाला मॉडल है ये। दूसरा इस ऑडियो का बेस्ट पार्ट, ऑल इंडिया सर्विस सेंटर है और इसमें सिम स्लॉट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी कंप्लेंट आती है आप मुझे बताओ, उसके बाद मैं आपको सर्विस सेंटर बताऊंगा। अदरवाइज इसके अलावा जो प्रोसेस है हमारा वो ऑल इंडिया सर्विस सेंटर है। सो जैसे भैया फरीदाबाद से आए तो फरीदाबाद में भी इनको सर्विस सेंटर मिलेगा, कुछ कल को कुछ कंप्लेंट आती है तो वहाँ पर प्रॉपर ही दिखा सकते हैं। इसी के साथ भाई अपनी पूरी गाड़ी हमारी ये सेट हो गई, अब पीछे चलेंगे एक बार इसके बाद। वही सीट आगे कर देना उधर से एक बारी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भी USB सॉकेट हमने लगाया, इसकी वायरिंग मैंने दिखाई नहीं क्योंकि प्लग इन पे कर दिया आज वो। नीचे हमने फ्लोरिंग डाली थी, ट्यूटर की प्लेसमेंट अगर आप देखोगे डोर्स के अंदर, ओए होए क्या शानदार स्पेस बना रखा है भाई इसका, मजेदार एकदम, आ हा हा स्वाद आ गया। प्रॉपर 0-0 कटिंग करी, 0-0 परफेक्ट तरीके से काम किया। ये यहाँ पर इसका हुक लगा होता है आर्मरेस्ट को निकालने के लिए, वो वैसे का वैसे ही है, पूरी सील ओरिजिनल। इसको बंद कर देंगे, यहाँ से इसकी हुक वापस लगा देंगे। ये सेम वही हेडरेस्ट की भी आपको मैं फिटिंग दिखा रहा हूँ भाई, सारे रफू हैं, कोई चेन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बेस्ट।
और इसी तरीके का अगर आपको काम कराना है तो आपको आना है सेम कार्लेबास में। कार्लेबास का जो मेरा एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सिस्टम में वायरलेस है, कोई आपको टैम्परिंग करने की जरूरत नहीं, कोई एप्लीकेशन भेज नहीं है। जैसे आपने इसका ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ से ऑटोमेटिकली सिस्टम कन्वर्ट हो गया एंड्रॉयड ऑटो में। कुछ मॉडल के अंदर आज की डेट में लोग बोलते हैं कि जी हमारा ये सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड के अंदर एप्पल का एक लोगो और एक एंड्रॉयड ऑटो का लोगो दे दिया, सिर्फ फ्रंट में आइकन एक दे दिया, जिसको आप टच करोगे तो एप्पल चलेगा, एंड्रॉयड को टच करोगे तो एंड्रॉयड चलेगा। भाई आपका मोबाइल तो ब्लूटूथ से पेयर है ना, जब आपका मोबाइल ब्लूटूथ से पेयर हो गया एक टाइम में एक ही चलेगा वो, तो जैसे ही ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ आपका पेयर होगा वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा वायरलेस के अंदर। वायरलेस चलते चलते के अंदर अपने नेविगेशन और जो आपका वो चल रहा है एप्लीकेशन, कोई भी गाना चल रहा है जैसे स्पॉटिफाई चल रहा है, एक तरफ आपकी गाड़ी में चलता है मैप, दूसरी तरफ चलता है स्पॉटिफाई। अगर आप पेज से बाहर आ जाओगे तो आप कैसे वापस आओगे, फिर भी आपको एक बटन टच करना पड़ेगा एंड्रॉयड ऑटो के लिए। सेम ऐसा ही इसके अंदर कार लिंक और जेड लिंक जो फंक्शन होता है सेम वही चीज़ होती है वो भी। सो कोई वायरलेस को ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई ये सर्टिफाइड नहीं है, ये सर्टिफाइड है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं सब बेस्ट होते हैं, सिर्फ घुमाने का तरीका है कि किस तरीके से आप बन जाओ। सो अपने पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, 100% नीट एंड क्लीन बेस्ट काम करके देना है। आपको आना है सेम कार्लेबास, कार्लेबास का जो मेरा एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है, A 225 मेरी शॉप की लोकेशन है। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे हैं 9811632352, 9906322, 9902352। मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।